नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। कांग्रेस के भीतर एक बार फिर से नए सिरे से गुटबाजी शुरू हो गई है, नए सिरे से घमासान शुरू हो गया है। खुले रूप में आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। यह तब है जब उत्तराखंड में कांग्रेस लोकसभा की पांचों सीटें हार गई। उसके बाद उत्साह कांग्रेस का तब बढ़ा जब वो उपचुनाव की दो सीटें जीत गई, बद्रीनाथ और मंगलौर। ताजा ताजा प्रकरण मैं आपको बताता हूं। इस कहानी में कुल मिलाकर चार कांग्रेस के बड़े नेता हैं। एक नेता है हरीश रावत, दूसरे नेता है गणेश गोदियाल, तीसरे नेता है हरक सिंह रावत और चौथे नेता है हरीश धामी। सबसे पहले इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब भरे मंच से, भरे मीडिया के सामने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा का ताजा ताजा चुनाव हारे गणेश गोदियाल ने एक कड़ा बयान दिया। गणेश गोदियाल ने बयान दिया कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी के पास कई तरीके की रणनीति है। कई लोग कांग्रेस छोड़कर सीधा बीजेपी में चले जाते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो बीजेपी में नहीं जा पाते लेकिन वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। अब गणेश गोदियाल का यह इशारा किसकी तरफ था ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले गणेश गोदियाल का आप ये बयान सुन लीजिए। दबाव डालकर ये मतलब कि जांचें करके तमाम उन विपक्ष के नेताओं को या तो बीजेपी की तरफ लेके जाने की कोशिश करती है, बीजेपी की तरफ चले जाओ, या फिर ये दबाव डालती है। अब तो नया वेरिएंट भी सामने आ गया कि भाई बीजेपी कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी के लिए काम करो। तो गणेश गोदियाल का बयान आपने सुन लिया। अब गणेश गोदियाल एक मंझे हुए नेता हैं। गणेश गोदियाल कोई भी बात हवा में नहीं कह सकते, ऐसा आकलन कांग्रेसियों ने भी लगाया और उत्तराखंड के कई पत्रकारों ने भी लगाया। कई लोगों ने अंदाजा लगाया कि गणेश गोदियाल का यह इशारा हरक सिंह रावत की तरफ है। हरक सिंह रावत की तरफ क्यों है? क्योंकि हरक सिंह रावत लोकसभा चुनाव के दौरान गणेश गोदियाल के पक्ष में प्रचार करने के लिए नहीं गए थे गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में, जबकि गढ़वाल के बड़े नेता हरक सिंह रावत माने जाते हैं। कोटद्वार से लेकर पौड़ी, पौड़ी से लेकर श्रीनगर, श्रीनगर से लेकर रुद्रप्रयाग जनपद तक हरक सिंह रावत की मजबूत पहुंच है, मजबूत पैठ है, उनका एक अपना नेटवर्क है, लेकिन उन्होंने गणेश गोदियाल की मदद नहीं की, ऐसा आकलन कई लोगों ने लगाया और इसलिए गणेश गोदियाल उनसे नाराज हैं। यह एक समीकरण है। और दूसरा समीकरण यह कि हरक सिंह रावत की जो बहू है अनुकृति, वो चुनाव संपन्न होने के बाद, लोकसभा का चुनाव संपन्न होने के ठीक बाद बीजेपी में शामिल हो गई थी, लेकिन हरक सिंह रावत बीजेपी में नहीं गए, वो कांग्रेस में ही हैं। इसीलिए यह इशारा हरक सिंह रावत की तरफ लगता है जब गणेश गोदियाल कहते हैं कि कई लोग कांग्रेस में रहकर बीजेपी की मदद करते हैं। इस पूरे मामले में हरक सिंह रावत की भी प्रतिक्रिया आई है। हरक सिंह रावत का बयान सुन लिए, सुनिए और उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हरक सिंह रावत की मंशा क्या है। मुझे नहीं मालूम गोदियाल जी किस दृष्टिकोण से क्या बात कर रहे हैं, लेकिन आज ईडी का जो दुरुपयोग है, आज लोकतंत्र को बचाने के लिए आज राहुल जी के खिलाफ ईडी का प्रयोग किया जा रहा है। कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में होता, मेरे साथ जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में गए उन लोगों के घर क्या ईडी गई? क्योंकि हरक सिंह रावत ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी, इसलिए मेरे यहां ईडी आई। वैसे गणेश गोदियाल ने जो बात कही थी वो 48 घंटे बाद ही सही साबित भी हो गई। धारचूला एक क्षेत्र है, पिथौरागढ़ जनपद का एक दूरस्थ इलाका है, चीन और नेपाल से इस क्षेत्र की सीमाएं मिलती हैं और यहां के विधायक हैं हरीश धामी। ये कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता माने जाते हैं। जब विधानसभा में जो गैरसैंण में सत्र हुआ उस समय आपदा पर चर्चा का समय हुआ तो हरीश धामी को उनके वरिष्ठ जनों ने विधानसभा के भीतर आपदा पर बोलने नहीं दिया। अब इससे हरीश धामी उखड़ गए, हरीश धामी नाराज हो गए, हरीश धामी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की शिकायत लेकर
मुख्यमंत्री के पास पहुंच गए। थोड़ी सी आश्चर्यजनक बात है कि कांग्रेस का विधायक अपने वरिष्ठों की, वरिष्ठ विधायकों की, नेता प्रतिपक्ष की बात लेकर, उनके शिकायत लेकर पहुंच गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास, और उन्होंने कहा पुष्कर सिंह धामी को कि मेरी पार्टी के नेता मुझे बोलने नहीं देते। और बाहर मीडिया में भी हरीश धामी ने बयान दिया कि अपनी पार्टी के नेताओं की शिकायत में मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे और राहुल गांधी से करूंगा, लेकिन उनसे वो शिकायत बाद में करेंगे, पहले शिकायत उन्होंने पुष्कर सिंह धामी से कर दी। अब जरा देखिए हरीश धामी का इतिहास। हरीश धामी उस समय हरीश रावत के लिए सीट छोड़ते हैं जब हरीश रावत मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और हरीश धामी वन विकास निगम के अध्यक्ष पद पर बना दिए जाते हैं, तैनात कर दिए जाते हैं हरीश रावत की तरफ से। हरीश धामी एक बार फिर से अपनी सीट को छोड़ने की पेशकश करते हैं पुष्कर सिंह धामी के लिए, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा चुनाव हार गए थे और उन्हें एक सीट की आवश्यकता थी। तो हरीश धामी ने पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने की बात कही थी। तो जो बात गणेश गोदियाल कह रहे थे कि कांग्रेस के भीतर कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ये इशारा उनका हरीश रावत के साथ साथ हरक सिंह रावत के साथ साथ हरीश धामी की तरफ तो नहीं था। हो सकता है ये इशारा हरक सिंह रावत की तरफ रहा हो, लेकिन ये फिट हरीश धामी पर बैठ गया। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब अपने वरिष्ठ नेताओं के बारे में इसी तरीके के बयान दूसरे नेताओं ने न दिए हों। गणेश गोदियाल ने ताजा ताजा बयान दिया और कुछ हफ्ते पहले या एक सवा महीने पहले ऐसा ही एक बयान हरक सिंह रावत ने भी दिया था, और सीधा सीधा हरीश रावत पर यह बयान केंद्रित था। उस समय हरीश रावत एक आम पार्टी में शामिल होने के लिए, मैंगो पार्टी, आम का सीजन था, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हरिद्वार के सांसद हैं, उन्होंने आम पार्टी का आयोजन किया था और हरीश रावत को आमंत्रित किया था। हरीश रावत उस पार्टी में पहुंच गए थे और उसके संदर्भ में हरक सिंह रावत ने यह बयान दिया था कि आम खाना बुरी बात नहीं है, आम पार्टी में जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन समय देख लेना चाहिए, और जब पूरी पार्टी विरोध कर रही होती है और कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री का समर्थन कर देता है, उनकी तारीफ कर देता है, तो सारे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाता है। इस बयान को भी आप सुन लीजिए। वैसे तो सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन मैंने इसी हॉल में एक बार कही थी कि माना हम गन्ना किसानों को लेकर लड़ाई लड़ते हैं, अंकित हत्याकांड पे लड़ाई लड़ते हैं, हम जो है माना भर्ती घोटाले पे लड़ाई लड़ते हैं, और मुख्यमंत्री और किसी की तारीफ कर देते हैं नेता की, बड़े नेता की, तो सारी लड़ाई कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है, सारी लड़ाई बेकार हो जाती है। तो आम पार्टी खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कई बार ये देखना होता है कि कब खानी चाहिए कब नहीं खानी चाहिए। तो इससे यह अंदाजा तो आपको लग ही गया होगा कि कांग्रेस के भीतर चल क्या रहा है। कोई हरीश रावत पर आरोप लगाता है, कोई हरक सिंह रावत पर आरोप लगाता है, आरोप हरीश धामी पर फिट बैठ जाते हैं, लेकिन पार्टी में डिसिप्लिन नाम का कोई भी एजेंडा नहीं होता। डिसिप्लिन कांग्रेस पार्टी के भीतर दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। जिसका जो मन आता है, जिस मंच से मन आता है, भरी मीडिया के सामने अपने वरिष्ठ जनों पर सीधा सीधा आरोप मढ़ दिए जाते हैं। अब पार्टी को इससे फायदा होता है या नुकसान होता है ये तो कांग्रेस जन ही जाने, लेकिन हां, कांग्रेस की इस तरीके की फूट का फायदा बीजेपी ने बखूबी उठाया है। अब देखना यह है कि जब इस बार सिर्फ फटाफट कांग्रेस में फिर से शुरू हुई है तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा क्या एक्शन लेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के सुप्रीम लीडर राहुल गांधी तक क्या यह बात वाकई में जाएगी, यह भी देखना काफी महत्वपूर्ण है। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।